गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द TSN स्कूल। नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, जलेबीज। जलेबी आप सबको पता है जो एक स्वीट है, ठीक है। एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक ईमानदार लड़का था, वो अपनी फीस देने के लिए, स्कूल फीस जो होती है उसको देने के लिए कुछ पैसे अपने पॉकेट में लेकर स्कूल जाता है। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरप्स जलेबी इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन द इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल। बाजार में वो करकरारी जो जलेबियाँ है, जो रस से भरी हुई सिरप मीन्स जो रस के अंदर चाशनी के अंदर जो जलेबियाँ भरी रहती है, उसे देखकर उसके मुँह में पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है। तो उस और उसकी जो जेब में वो जो सिक्के हैं जो फीस के लिए वो पैसे लेके जा रहा है, वो भी आवाज़ करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ ही यर्न्स टू ईट द स्वीट टेम्पटेशन। और फाइनली मतलब उसके मन में इतनी लालच आ जाती है जलेबीज खाने की कि वो जलेबी खाना खाने के लिए चला ही जाता है। इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो वेयर आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर नाउ कोल्ड अटक। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and fund. कब की बात है, बहुत पुरानी बात है, मतलब कई वर्षों पुरानी बात है जो राइटर है वो बताते हैं ऑथर की। मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ता था, कंबलपुर जो जगह है उस वहाँ वो पढ़ते थे, और अब फिलहाल उसका नाम क्या हो गया, अटक के नाम से उसको जाना जाता है। तो मेरे पास कितने रुपए थे, 4 रुपए थे जो मैं अपनी स्कूल फीस के लिए देने के लिए लेकर जा रहा था। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammad, was on leave and so the fees would be collected the next day. मुझे स्कूल की फीस देनी थी, तो जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे मतलब फीस जो कलेक्ट करते थे मास्टर गुलाम मोहम्मद, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे जब भी तुम स्कूल आओगे तो फीस तुम्हें लेकर आनी है, क्योंकि वो कलेक्ट वो करेंगे। ऑल थॉट द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड देन बिगिन टू स्पीक। कहता है कि सारा दिन मेरी जेब में वो 4 रुपये रखे रहे, और जब छुट्टी हुई तो मैं बाहर आ गया और वो खनकने लगे। जब चलने लगा तो वो जो पैसे थे वो बजने लगे, क्योंकि जो मेरे टीचर थे उन्होंने क्या कहा था कि आज मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, कल मैं तुम्हारी फ़ीस वापस लेऊँगा, मतलब कल मैं कलेक्ट करूँगा। ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक दे जिंगल और गो खनक खनक बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक। वन कॉइन सेड What are you thinking about those fresh hot jalebis coming out of the kado in the shop over there? They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them. And money is not for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who like jalebis. Wo kya kehta hai? कि जो जलेबी थी उनको देखकर मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आने लगा, कि जो जैसे मैं स्कूल से बाहर निकला तो सिक्कों ने बात करना स्टार्ट कर दिया। हमेशा सिक्का पहले खनकते थे, बट उस दिन वो मुझसे बात कर रहे थे और सिक्के मुझसे बोल रहे थे, जो 1 रुपया था उसमें से उसने मुझे बोला, तुम क्या सोच रहे हो, सामने देखो कितनी सारी अच्छी और ताज़ी गर्म जलेबियाँ सामने दिखाई दे रही है जो कि कढ़ाई में से निकल रही है गर्म गर्म, तो तुम क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, फटाफट से जाओ और मुझे देकर कुछ जलेबियाँ ले लो ताकि तुम कुछ खा सको, क्योंकि जो पैसा होता है वो खर्च करने के लिए ही हमारे पास होता है, तो तुम जाकर खर्च करो और गरम गरम जलेबियाँ तुम खा लो। लुक हेयर फॉर योर 4 रुपीज आई सेड टू देम आई एम अ गुड बॉय डोंट मिस गाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। तो मैंने उस रुपए से बोला, 1 रुपए से, कि मुझे मिस गाइड मत करो, मुझे बहकाओ मत, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक अच्छा लड़का हूँ और मैं ये फीस के लिए पैसे लाया हूँ तो मैं इन्हें खर्च नहीं करूँगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन। जब मैं बाजार से निकल रहा था तो मेरी सब चीज़ों पर नज़र पड़ रही थी, बट मुझे पता था कि पैसे किसके हैं, मेरी फ़ीस के हैं। Besides, you are my fees and fun money, क्योंकि मुझे पता था वो फीस के पैसे हैं। If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Mohammad in school tomorrow? And after that to Allah Mia at Qayamat.
कहता है कि अगर ये पैसे आज मैं खर्च कर दूंगा तो कल मैं मिस्टर जो मोहम्मद हैं उनको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा फीस के, और उनके सामने मैं क्या मतलब अपनी शक्ल लेकर जाऊंगा, क्या चेहरा दिखाऊंगा, मतलब मुझ पे तो फिर अल्लाह मियाँ ही मुझे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पर तो क्या टूट पड़ेगी, कयामत आ जाएगी। यू प्रॉबेबली डोंट नो इट बट वैन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स। So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight। तो वो सिक्को से क्या कहता है कि अगर तुम्हें पता नहीं है, अगर मैंने उनको फीस नहीं दी तो मिस्टर गुलाम मोहम्मद जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुझे पूरा दिन बेंच पे खड़ा कर देंगे जब तक लास्ट बेल नहीं बजती, मतलब जब तक छुट्टी नहीं हो जाती स्कूल की तब तक वो मुझे उस बेंच पे खड़ा करके ही रखेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पनिशमेंट दे, इसलिए प्लीज़ मेरे कानों में आवाज़ करना बंद कर दो और मुझे मत बहकाओ, मुझे सीधा कहाँ जाने दो, सिर्फ घर जाने दो। द कॉइंस डिसलाइक वॉट आई हैड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम। देयर वॉज अ सच क्लैमर दैट पैसर्स बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आईज वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट। द कॉइन ऑफ दोज डेज द ब्रेस्ट थिंक मेड सो मच मोर नॉइज टू। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रैब इट ऑल फोर ऑफ दैम एंड हेल्ड दैम टाइट इन माई फर्स्ट फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। कहता है कि उसके बाद जो रुपए थे, जो पैसे मेरे मतलब जो सिक्के मेरी जेब में थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा जब मैंने उनसे ये सब कहा। वो फिर से एक साथ बोलने लगे और हल्ला मचाने लगे। बाजार के अंदर सब मुझे देख रहे थे कि मेरी जेब में से वो सिक्के बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे, सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म सी महसूस होने लगी। तो मैंने क्या किया, चारों सिक्कों को अपने हाथ से अपनी जेब के अंदर ही रखे रखे बाहर से बहुत अच्छे से कड़क करके पकड़ लिया ताकि वो आवाज़ ना करे और वो चुप हो जाए। उसको मैंने एकदम जेब को अच्छे से कड़क तरीके से पकड़ के रख लिया। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल एज इंस्टेड। Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees money, fees with the scholarship money, end of story. Kissa khatam, paisa hazam. जो कुछ थोड़ी देर बाद कहता है कि जब मैं चलने लगा तो मैंने जब अपनी थोड़ी सी जेब को ढीला कर दिया तो फिर से पुराना रुपया बोला, पुराना सिक्का जो था वो फिर से बोलने लगा कि अरे हम तो तुम्हारी भलाई की बात ही कर रहे हैं, क्या तुम्हें ही गरम गरम जलेबियाँ नहीं खानी, तुम्हें अपना मन क्यों मार रहे हो। मतलब एक होता ना जब हमारी कोई चीज़ खाने की इच्छा हो और फिर भी हमें ना खानी हो, मतलब किसी रीज़न से हम उसे मना कर दें, मन मार के जब हम मना कर दें तो उसके लिए वो सिक्का बोलता है कि वो अपना मन मार रहे हो, तुम्हें इच्छा नहीं हो रही गरम गरम जलेबियाँ हमारे सामने और तुम्हें उनको खाने की इच्छा नहीं है, आज तुम देखो पैसे खर्च कर दो, कल तुम्हें स्कॉलरशिप वाले जो पैसे वो मिल जाने तो तुम क्या करना, आज फीस के पैसों से मिठाई खा लो और कल स्कॉलरशिप के जो पैसे होंगे, जो छात्रवृत्ति होती है स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति के जो पैसे होंगे उससे क्या करना, फीस जमा करा देना। कहानी ख़त्म। ऐसे करके जो सिक्के उसको पूरा डिटेल से अच्छे से समझा देते, कहते किस्सा ख़त्म और पैसा हजम, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी फ़ीस का पैसा भी तुम्हें कल मिल जाएगा क्योंकि तुम्हें कल क्या मिलने वाली है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और आज तुम्हें अपना मन भी नहीं मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें क्या खानी है, जलेबियाँ भी खानी है। What you are saying isn't right, I replied, but it isn't that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I am not a common sort of boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. उसने जो लड़का था उन्होंने सिक्के से कहा कि हाँ तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, बट अगर सच मतलब अगर ऐसा हो गया कि मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो एक काम करो, तुम बकवास मत करो, मुझे थोड़ा सोचने दो। लड़के ने कहा सिक्कों से कि मैं एक मामूली लड़का नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास जलेबियाँ, बाकी ये जो जलेबियाँ ये भी साधारण नहीं है क्योंकि ये जलेबियाँ बहुत ज़्यादा करारी हैं, ताज़ी और एकदम सिरप से भरी हुई है, सिरप में जो चाशनी जो शरबत होता है उससे पूरी तरह से भरी हुई है, तो तुम ज़रा मुझे सोचने दो क्योंकि मुझे पहले अच्छे से सोचने दो कि मुझे क्या करना चाहिए। My mouth watered, but I was not about to be swept away so easily. In school, I was among the most promising students. In the fourth standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month.
Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I had never once been beaten so far. On the contrary, Masterji had got me to best the other boys. For a child of such status standing there in the middle of the bazaar eating jalebis, no, it was not right, I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. कहता है कि मेरे मुंह में पानी तो आ गया था बट मैं इतनी सरलता से हार नहीं मानने वाला था, मतलब मैं इतनी जल्दी से पैसे सिक्कों की बात नहीं मानने वाला था, क्योंकि मैं क्या था स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, और जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने मतलब जब मैं फर्स्ट आया था तो उसके बाद से मुझे हर माह हर मंथली मतलब मुझे 4 रुपये स्कॉलरशिप में मिलते हैं, तो मेरा जो परिवार है उसके अंदर भी मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान है, मतलब परिवार भी मेरा अच्छा खासा ठीक ठाक है, पैसे वाले हैं, बट मेरा भी काफ़ी सम्मान है, मतलब स्कूल के अंदर भी कभी मेरी पिटाई आज तक नहीं हुई है, और जो मास्टर जी वगैरह है वो भी मेरे को बहुत अच्छे से मानते हैं, मतलब उनको पता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, इसलिए वो मुझे हमेशा अच्छा ही समझते हैं, और उनके सामने जो मेरी इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो दूसरों की पिटाई करते हैं बट वो मुझे कभी नहीं मारे हैं आज तक, तो मैं इतना अच्छा बच्चा हो कि अगर बाज़ार में खड़े होकर जलेबियाँ खाऊँगा तो ये बात सही नहीं लगेगी मुझे, और इससे अगर कोई मुझे देखेगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर फाइनली मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं अभी जलेबी नहीं खाऊंगा, और फिर से मैंने क्या किया मुट्ठी के अंदर अपने पैसे जो रुपए थे उनको पकड़ लिया टाइटली ताकि वो फिर से आवाज़ ना करे। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।